आज हम डिस्कस करेंगे मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर आपको आउटपुट डिवाइस है आपकी, और ये आपको सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करता है। मॉनिटर के अंदर हम लोग जितने भी तरह के मॉनिटर है, चाहे फ्लैट पैनल है, एक बार थोड़ा थोड़ा उसका ओवरव्यू हम लोग देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग ज्यादा डीपली डिस्क्राइब करेंगे इसी वीडियो के अंदर। अब देखिए, सबसे पहली जो चीज है कि आखिर हम अगर बात करते हैं मॉनिटर के बारे में, तो मॉनिटर के अंदर ये है हमारे मॉनिटर में कितने प्रकार के हमारे मॉनिटर जो है वो पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ये हमें पहले पिक्सल के बारे में हमें पता होना चाहिए। पिक्सल क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें नंबर ऑफ डॉट्स को, माइक्रोस्कोपिक डॉट्स को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, वो हमारी क्या कहलाते हैं, पिक्सल्स कहलाते हैं। अब पिक्सल जितने ज्यादा होते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, रिजोल्यूशन कराती है, और उसी के कारण पिक्चर आपको बढ़िया दिखाई देती है। इसका पूरा नाम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी आप लोग बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला है सीआरटी। सीआरटी जो है उसके अंदर एक ट्यूब होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम आती है, वो इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा निकलती है और वो फॉस्फोरस के इनर सरफेस पर जाकर गिरती है और वो इमेज आपको शो करती है। और जो भी फास्फोरस डॉट्स है वो मेनली हम लोग तीन प्रकार के डॉट्स यूज करते हैं, एक रेड हो गया, एक ब्लू हो गया और एक आपका ग्रीन हो गया। अब अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो ये जो ग्लोब जो स्ट्रक जैसे इलेक्ट्रॉन बीम गिरती है और वो कई बार ग्लो करता है फिर हल्का पड़ता है, तो ये जो ग्लो होना उसका जो है फिनोमिना उसको बोला जाता है कैथोड लुमिनिसेंस बोला जाता है। नेक्स्ट जो है आपके सीआरटी मॉनिटर जो है उसके अंदर भी फ्लैट पैनल आने शुरू हो गए थे जिनका वॉल्यूम कम था, उनका वेट कम था, उनकी पावर कंजप्शन आपकी कम थी। नेक्स्ट जो है वो आपका प्लाज्मा मॉनिटर है, ये भी फ्लैट पैनल ही है लेकिन इसके अंदर क्या होता है, एक स्मॉल सेल आप लोग यूज करते हैं जो कि दो ग्लास सरफेस के बीच में पाई जाती है, और ये जो सेल होती है वो गैस को भर के रखती है, नोबल गैसेस इसके अंदर या मरकरी इसके अंदर भरी जाती है। जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर सप्लाई होती है तो वो जो गैस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू प्लाज्मा के अंदर और वो यूवी लाइट आपको शो करवाती है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है हमारी नेक्स्ट डिवाइस, नेक्स्ट जो मॉनिटर है वो है एलसीडी मॉनिटर। देखिए, एक एलसीडी होता है, एक एलईडी होता है। एलसीडी जो है मॉनिटर उसके अंदर हम लोग जो है यूज करते हैं किसका, पैस्योमेट्रिक स्क्रीन का, और उसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, चार्ज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मतलब ये होता है कि एलसीडी जो है इसके अंदर आपके लिक्विड भरा हुआ रहता है, और अगर आप लोग बात करते हैं जो एलईडी का तो उसके अंदर आपके डायोड होते हैं और उसके द्वारा वो पिक्सल के रूप में शो होता है। तो मॉडर्न जो एलसीडी है वो एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी का यूज करती है जिसमें टीएफटी पाए जाते हैं, कैपेसिटर का यूज कहता है विद कैपेसिटर, और ये जो है पिक्सल आपके चार्ज होने के बाद में शो करवाते हैं। एक ग्लास प्लेट जो है वो रो ऑफ कंडक्टर जो अरेंज किए जाते हैं वो वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं, और जो दूसरी जो ग्लास प्लेट होती है उसमें कंडक्टर जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं, और उन दोनों का यूज करके ये रिफ्लेक्शन के द्वारा आपके पिक्सल दिखाते हैं। नेक्स्ट जो मॉनिटर है वो एलईडी है। फुल फॉर्म पेपर में पूछी जाए तो लाइट इमिटिंग डायोड होती है, इसमें एलईडी का पैनल पाया जाता है और वो डेटा को रीड करना रिफ्रेश बफर में, और वो कैसे करता है, और वोल्टेज लेवल के अकॉर्डिंग वो क्या होते हैं, एलईडी आपके कंट्रोल होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगर मॉनिटर की करेक्टरिस्टिक्स की आपसे बात की जाए तो देखिए, सबसे पहला जो होता है वो होता है इमिसिव डिस्प्ले होता है, और इमिसिव जो डिस्प्ले है वो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट के अंदर, जैसे आपका प्लाज्मा पैनल हो गया, थिन फिल्म इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट हो गए, एलईडी हो गई, ये आपके एग्जाम्पल रहेंगे इमिसिव डिस्प्ले के। तो आपसे पेपर में पूछे जाए कि इमिसिव डिस्प्ले होता क्या है, तो आप बताएंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो लाइट में कन्वर्ट कर दे उसको हम लोग इमिसिव डिस्प्ले कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि नॉन इमिसिव डिस्प्ले क्या होता है तो आप ये बताएंगे नॉन इमिसिव डिस्प्ले जो है वो ऑप्टिकल इफेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट में, लाइट फ्रॉम अदर सोर्स से लेके ग्राफिक पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं, और वो होता है हमारा एलसीडी जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब है रिजोल्यूशन पिक्सल। पिक्सल जो है जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का किसी भी इमेज में जो पार्ट होता है वो रिजोल्यूशन पिक्सल कहलाते हैं। रिफ्रेश रेट होता है टोटल नंबर ऑफ टाइम आप पर सेकंड में
जो भी आपकी इमेज है वो डिस्प्ले होती है, रीपेंट होती है, वो आपका रिफ्रेश रेट कहलाता है। बार बार उस पिक्चर का रिफ्रेश होना, वापस से बनना, यही आपका क्या कहलाता है, रिफ्रेश रेट कहलाता है। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट डिवाइसेस हमारी सीआरटी। अब देखिए सीआरटी मॉनिटर को हम लोग ढंग से डिस्कस करते हैं और इसके बारे में पूरी स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए सीआरटी के फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब जो है वो ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर या मॉनिटर या टेलीविजन है उसके अंदर आपके यूज ली जाती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो हीट के कारण जनरेट होते हैं और वो लाइट जनरेट करते हैं और वो प्रोजेक्ट होते हैं किसके ऊपर, स्क्रीन के ऊपर। कंपोनेंट अगर बात की जाए सीआरटी के तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक गन होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन गन होती है वो सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें हीटिंग फिलामेंट्स होते हैं, हीटर होता है और कैथोड आपका यूज इसके अंदर यूज होता है। कंट्रोल जब आप करते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है वो आपकी ऑन होती है या आपकी क्या होती है, ऑफ होती है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, इलेक्ट्रोड के द्वारा कंट्रोल होती है। नेक्स्ट जो चीज है वो आपकी फोकसिंग सिस्टम है, ये क्रिएट करती है क्लियर पिक्चर को। और वो कब करती है, जब वो फोकस होती है, इलेक्ट्रॉन को फोकस करती है कहां पे, नैरो बीम के रूप में आपके फोकस करती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं डिफ्लेक्शन योग, ये किस काम में आता है, ये आपके डायरेक्शन को कंट्रोल करता है, किसके, इलेक्ट्रॉन बीम के डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के द्वारा कंट्रोल करता है, इसी को ही हम लोग डिफ्लेक्शन योग बोलते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आपकी फास्फोरस कोटेड स्क्रीन होती है, और फास्फोरस जो कोटेड स्क्रीन होती है वो आपके जो आपका फ्रंट सरफेस होता है सीआरटी मॉनिटर का, उसके द्वारा वो आपके कोटेड जो फास्फोरस होता है वो ग्लो करता है। और किसकी वजह से ग्लो करता है, हाई एनर्जी बीम के द्वारा आपके क्या करता है, ग्लो करता है। अब देखिए नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं डायग्राम की तो आप देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन आपके है, और ये जो इलेक्ट्रॉन गन है ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके बिखर रहे हैं आपके फास्फोरस स्क्रीन पे और आपको पिक्चर शो हो रही है। नेक्स्ट जो है अगर आप बात करते हैं कलर सीआरटी मॉनिटर की, तो कलर सीआरटी मॉनिटर के अंदर दो पॉपुलर अप्रोच आप यूज करते हैं। एक होता है बीम पेनिट्रेशन मेथड होता है, और जो दूसरा जो मेथड होता है वो होता है शैडो मास्क मेथड होता है। जब आप बीम पेनिट्रेशन मेथड की बात करते हैं तो ये रैंडम स्कैन जो मॉनिटर होते हैं, देखो रैंडम और रास्टर मैंने आपको पहले समझा रखा है, रैंडम जो होता है लाइन वाइज जो पिक्चर को ड्रॉ करता है वो रैंडम स्कैन होता है, और इसमें दो लेयर यूज होती है फास्फोरस की, एक होती है रेड होती है और एक आपकी क्या होती है, ग्रीन होती है। तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉन है वो अगर आउटर पे ही रह जाते हैं तो वो रेड कलर दिखाते हैं, और अगर हाई स्पीड के होते हैं तो अंदर तक जाते हैं, वो ग्रीन लेयर आपकी शो करवाते हैं। और इनके कॉम्बिनेशन से चार कलर आपके बनते हैं, एक रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया, एक ऑरेंज हो गया और एक आपका येलो हो गया। अगर आप एडवांटेज की बात करते हैं तो इनएक्सपेंसिव है, और अगर डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो केवल चार ही कलर ही आपको शो करवाती है, और इसीलिए इसकी क्वालिटी जो है वो दूसरे मेथड की तुलना में बढ़िया नहीं होती। अगर हम लोग बात करते हैं शैडो मास्क मेथड की, तो शैडो मास्क मेथड जो है वो रास्टर स्कैन में यूज होता है। रास्टर स्कैन का मतलब होता है जब आप डॉट डॉट करके किसी पिक्चर को ड्रॉ करते हैं तो वो आपका रास्टर स्कैन कहलाता है। तो ये कलर टीवी सेट पे या मॉनिटर पे आपके यूज होता है ज्यादातर। और शैडो मास्क सीआरटी में तीन फास्फोरस कलर डॉट का यूज किया जाता है, पहला रेड लाइट के लिए, दूसरा ग्रीन लाइट के लिए, और तीसरा जो होता है वो आपके ब्लू लाइट के लिए होता है। शैडो मास्क ग्रीड जो है वो राउंड होल उसके अंदर, जैसे पिक्चर में दिखाए वैसे राउंड होल होते हैं, और ट्रायंगुलर पैटर्न के अंदर वो आपके पिक्चर को आपके शो करवाते हैं। तो दे एक्टिवेट द डॉटेड ट्रायंगल और वो ही आपके कलर स्पॉट स्क्रीन पर शो करवाते हैं। नेक्स्ट शैडो मास्क मेथड की अगर एडवांटेज बात करें तो रियल इमेज बनाने के लिए, अलग अलग मिलियन डिफरेंट कलर यूज करने के लिए, शैडो सीन के लिए आप शैडो मास्क मेथड का यूज लेते हैं। लेकिन अगर आप नुकसान की बात करते हैं तो देखिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, रिजोल्यूशन इसकी पुअर रहती है, और कन्वर्जेंस की इसमें क्या आती है, प्रॉब्लम आपकी आती है। चलिए अब हम नेक्स्ट थर्ड पीपीटी का डिस्कशन करते हैं। थर्ड पीपीटी है हमारी किसको लेके, डीवीएसटी को लेके। अब देखिए डीवीएसटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीवीएसटी के अंदर क्या होता है,
तो देखिए डीवीएसटी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब, नाम याद रखेंगे डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये एक तो कहां यूज होती है अगर पूछा जाए तो रैंडम स्कैन में इसका उपयोग लिया जाता है। स्टोरेज ट्यूब जो होते हैं स्क्रीन में इमेज को बना के रखते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं और फिर उसको वो क्या करते हैं प्रोजेक्ट करते हैं। तो वॉइडिंग द नीड ऑफ री राइट द इमेज, तो आपका जो जैसे पुराने जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे जैसे कि इंटरलेसिंग होता है जिसे आपके पिक्चर को रीपेंट किया जाता है, वो इसमें दिक्कत आपके नहीं आती है। अगर आप इसमें बात करते हैं गन की तो दो प्रकार की गन इसमें यूज होती है, एक प्राइमरी गन यूज होती है जो कि पिक्चर पैटर्न को स्टोर करती है, एक फ्लड गन होती है सेकेंडरी गन होती है जो कि पिक्चर के डिस्प्ले को मेंटेन करती है। नेक्स्ट है डीवीएसटी का एक डायग्राम आपका हो गया जिसे फ्लड गन होती है, ये आपकी सेकेंडरी गन होगी और ये आपकी कौन सी होगी प्राइमरी गन हो गई, और इसमें फ्लड इलेक्ट्रॉन्स जो है एक साथ में स्क्रीन के ऊपर गिरते हैं और इसमें स्टोरेज ग्रिड पाई जाती है जो कि उसको कलेक्ट करके रखती है। तो डीवीएसटी के एडवांटेज की अगर बात करें तो रिफ्रेशिंग की इसको जरूरत नहीं पड़ती है जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि स्टोर करके रखता है, रिजोल्यूशन अच्छा होता है, कॉस्ट इसकी कम पड़ती है। लेकिन नुकसान की अगर बात कराई जाए तो इसमें किसी पर्टिकुलर पार्ट को अगर आप इरेज करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है, डायनेमिक ग्राफिक्स एप्लीकेशन में भी यूज नहीं आ पाती है, और पिक्चर को अगर आप मॉडिफाई करती है तो टाइम जो है ये आपका ज्यादा लेता है। ये देखिए आज हमने डिस्कस किया सीआरटी मॉनिटर के बारे में, एलईडी के बारे में, एलसीडी के बारे में, प्लाज्मा पैनल के बारे में, और लास्ट ऑप्शन था डीवीएसटी के बारे में। ये आपका कंप्लीट खत्म होता है मॉनिटर।